आज 24 डिसेंबर 2022 ला आपण अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संमेलन आणि डॉक्टर उल्हास पाटील मेडिकल कॉलेज आणि बाहेती स्कूल जे स्टूडेंट्स मिळून एक रैली काढत आहोत की देहदानाचा विशेष श्रेष्ठ का आहे हे सगळ्यांना एक अवेअरनेस तयार करण्यासाठी आपण ही रैली काढलेली आहे आज सकाळी. देहदान हे म्हणजे आपण आपलं आयुष्यातलं जे आपण इतके वर्ष जगलो आणि त्याच्यानंतर आपले जे मृत्यू झाली ते आपण आपल्या स्वतःला एक मृत्यूनंतर पण कोणासोबत तरी शेअर करतो आहे, कोणाच्या रिसर्चसाठी शेअर करतो आहे, कोणाच्या अभ्यासासाठी शेअर करतो आहे, ह्याच्यासाठी नुसतं त्या देहदान करणाऱ्या व्यक्तीचं नाही तर त्याच्यात पूर्ण फॅमिलीचं इन्व्हॉल्वमेंट असते. त्याच्यामध्ये सगळ्या फॅमिलीचे त्याच्या नातेवाईकांचे खूप इमोशनल ॲस्पेक्ट जुडलेले असतात म्हणून हे पूर्ण फॅमिलीसाठी हे खूप मोठं दान आहे. पण हे आज काळाची गरज पण आहे कारण की जसं जसं ॲडव्हान्सिंग टेक्निक निघत आहेत त्याच्यासाठी रिसर्चसाठी ह्याची आवश्यकता असते आणि म्हणून हे खूप चांगलं उपक्रम आज सगळ्यांनी घेतलं आहे की एक सगळ्यांमध्ये अवेअरनेस निर्माण करावं की का देहदान केलं पाहिजे. आपणही ह्याच्यावरती रिसर्च करा, आपणही ह्याच्याबद्दल विचार करा आणि आपणही एकदा तरी आपल्या फॅमिलीशी डिस्कस करून ह्याच्यावरती एकदा एका डिसिजनवर या की आपणही केलं पाहिजे की नाही आणि आपण ह्या समाजासाठी, आपण ह्या आपल्या देशासाठी, आपण ह्या आपल्या नवीन घडणाऱ्या पिढीसाठी कसं कामा येऊ शकतो आपल्या देहाने. धन्यवाद. Okay, ma'am. Thank you. मेडिकल कॉलेज आणि बाहेती स्कूल इनके साथ में मिलकर हमने देहदान की जागरूकता रैली आज अखिल भारतीय के राष्ट्रीय उपक्रम द्वारा जो संचालित किया गया है उसमें ली है. देहदान यह मरणोपरांत किया जाने वाला दान है और यह इतना श्रेष्ठ दान है कि इससे जो हम जब जीवित रहते हैं तब हमारी बॉडी को संभालने वाले, हमारे रोगों के ऊपर उपचार करने वाले डॉक्टर इसी के ऊपर रिसर्च करके बनते हैं. तो जिसके लिए हमें जीवन में ज़रूरत है वह मरणोपरांत दान, देहदान, हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और एक अंधविश्वास से दूर उठकर हमें देहदान ज़रूर करना चाहिए जिससे अच्छे डॉक्टर बने और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो और मेडिकल क्षेत्र में और डेवलपमेंट हो. मैं डॉक्टर शुभांगी घुले, प्रोफेसर इन एनाटॉमी एट डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव. आज मैं आपको देहदान का महत्व क्या होता है ये बताने वाली हूँ. हम सबको अच्छा जीवन, निरोगी जीवन चाहिए. ये सब कब पॉसिबल है? जब हमारे यहाँ पे अच्छे डॉक्टर बनेंगे. अच्छे डॉक्टर कब बनेंगे? जब उनको उचित शिक्षा मिलेगी. उचित शिक्षा उनको कब मिलेगी? जब हम सब मृत्यु के बाद देहदान करेंगे. देहदान का हर एक मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है. हर एक मेडिकल छात्र अपने शरीर की रचना समझने के लिए देहदान का उसको बहुत बड़ा उपयोग होता है. छात्रों ही नहीं बल्कि सर्जन, रिसर्चर को भी अभ्यास करने के लिए देहदान का उपयोग होता है. देहदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है. इसके लिए पहले तो आपको अपनों का मनोबल बढ़ाना है और अगर आप मरने के बाद देहदान की इच्छा रखते हैं तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके आप देहदान का अर्ज भर सकते हो. वहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाके देहदान का अर्ज भरना पड़ता है. एनाटॉमी डिपार्टमेंट में को ही हम शरीर रचना शास्त्र ऐसे भी बोला जाता है. देहदान का अर्ज भरने के बाद वहाँ पर आपको एक सम्मान पत्र दिया जाता है.
देहदान के अर्ज के लिए आपको आपके करीबी रिश्तेदार तथा दो विटनेस की साइन भी लगती है, और मृत्यु के पश्चात जब बॉडी हम डोनेट करते हैं तब डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट भी लगता है। महाराष्ट्र में 20-25 मेडिकल कॉलेज हैं। सब मेडिकल कॉलेज में देहदान की व्यवस्था एनाटॉमी डिपार्टमेंट में उपलब्ध है। ये व्यवस्था जलगांव में डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव में भी उपलब्ध है। देहदान मृत्यु के 6 घंटे के भीतर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच की तरफ से और डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज की तरफ से यह निवेदन करती हूँ कि आप सब आओ, आगे बढ़ो, मृत्यु के बाद देहदान करो और अच्छे डॉक्टर बनाओ।